हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में हम बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशन एक्सप्लेन किए हुए हैं। अभी इस सेकंड वीडियो में मैं आपको क्रिएट एंड इंसर्ट ऑपरेशन पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद हम देखने वाले हैं सर्च ऑपरेशन, उसके बाद डिलीट ऑपरेशन और लास्ट में हम देखेंगे डिस्प्ले ऑपरेशन और द ट्रैवर्सल ऑपरेशन। तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल टेकटॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉर्ट। तो बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो स्पेशल सर्च ट्री होता है, जिसमें से हर एक लेफ्ट चाइल्ड जो होता है उसके पेरेंट नोड का, उसकी वैल्यू, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ अ पेरेंट नोड, और उसके जस्ट अपोजिट राइट चाइल्ड का वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से ग्रेटर होता है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें से आप देख सकते हो ये है आपका पेरेंट नोड, जो जिसका लेफ्ट चाइल्ड है 14, उसकी वैल्यू उसके पेरेंट नोड से कम है, और 35 ये जो राइट चाइल्ड है पेरेंट नोड का, उसकी वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से ग्रेटर है। अभी अगर ये एग्जाम्पल हम लेते हैं ये सब ट्री, तो 35 इसका पेरेंट नोड हो गया, उसका लेफ्ट चाइल्ड है 31 जो कि उसकी वैल्यू है पेरेंट नोड से छोटी है, और जो राइट चाइल्ड है 43 उसकी वैल्यू उसके पेरेंट नोड से ग्रेटर है। तो ये हो गए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से हम अभी फोकस कर रहे हैं क्रिएट ऑपरेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएट ऑपरेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिएट ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन helps us to create the binary search tree. ये ऑपरेशन हमें binary search tree create करने के लिए मदद करता है। तो जैसे ही हम पहला नोड इंसर्ट करते हैं, द पहला नोड विल हेल्प यू टू क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री। इट क्रिएट्स द बाइनरी सर्च ट्री द वेरी फर्स्ट इंसर्शन, राइट? द फर्स्ट नोड दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट, उससे ही बाइनरी ट्री बनता है। तो हालांकि जैसे कि बाइनरी ट्री बन जाता है, उसी फर्स्ट नोड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रूट नोड बोलते हैं, रूट नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे मैं आपको उसके स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ फर्स्ट नोड एंड ट्रीट एज अ रूट नोड। तो ये हो गया आपका एक नोड बना के और उसको हमने रूट नोड ट्रीट करना है। अभी हमें फोकस करना है दूसरा ऑपरेशन। क्रिएट तो हो गया, अभी हम इंसर्ट ऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ तक कि इंसर्शन का सवाल है, हम वन बाय वन नोड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेशन जो होता है, यूजुअली क्रिएशन ऑफ अ रूट नोड और क्रिएशन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेशन क्या हमें मदद करेगा, टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर नोड एट इट्स प्रॉपर पोजिशन। जैसे कि हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है बाइनरी सर्च ट्री की, जो लेफ्ट चाइल्ड होता है पेरेंट नोड का, उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से लेस होती है, और जो राइट चाइल्ड होता है उसकी वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से ग्रेटर होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, और उसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए हमें जो कि नोड इंसर्ट करना है उसकी प्रॉपर लोकेशन, उसकी प्रॉपर पोजिशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, लोकेट करनी होती है, और उसी प्रॉपर पोजीशन पे हमें नया नोड इंसर्ट करना होता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें रूट नोड से स्टार्ट करना है। रूट नोड से स्टार्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयर रूट नोड विद इंसर्ट की। जो कि इंसर्ट नोड हम करने वाले हैं उसका जो की वैल्यू होता है, वो की वैल्यू हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे, रूट नोड की वैल्यू से। अगर रूट नोड की
वैल्यू से कंपेयर करने के बाद जो की वैल्यू है वो अगर लेस देन रूट नोड है तो हमें कहाँ पे जाना है, तो हमें सिर्फ लेफ्ट सब ट्री पे फोकस करना है, और लेफ्ट सब ट्री में फोकस करने के बाद हमें उसकी प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट करनी है. सर्च फॉर अ प्रॉपर पोजीशन इन अ लेफ्ट सब ट्री ओनली, राइट. और अगर ये जो है ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, मतलब कि की वैल्यू रूट नोड से लेस नहीं है, इसका मतलब कि वो ग्रेटर है, एल्स की इज ग्रेटर देन अ रूट नोड, हमें कहाँ पे जाना है, हमें राइट सब ट्री में जाना है, और हमें राइट सब ट्री में प्रॉपर लोकेशन प्रॉपर पोजीशन हमें सर्च करनी है. तो ये हो गया हमारा इंसर्शन ऑपरेशन. हमें ये स्टेप्स रिपीट करनी है टिल वील गेट द प्रॉपर लोकेशन ऑफ एवरी इंसर्शन की. अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमें आइदर इन अ लेफ्ट सब ट्री वर्क करना है और इन अ राइट सब ट्री वर्क करना है. अगर की नोड की वैल्यू लेस देन अ रूट नोड होती है और अ पेरेंट नोड होती है. रूट नोड हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम रूट नोड से स्टार्ट करने वाले हैं. वेरी फर्स्ट पेरेंट नोड इज अ रूट नोड, इसीलिए हम यहाँ पे रूट बोल रहे हैं. तो अगर लेस होती है की वैल्यू, की जो हमें इंसर्ट करनी है उसकी वैल्यू अगर रूट नोड की वैल्यू से लेस होती है तो हमें सिर्फ लेफ्ट सब ट्री पे फोकस करना है, और अगर ग्रेटर होती है तो हमें राइट सब ट्री के फोकस करना है. एट ए टाइम हम कौन सा तो भी एक ट्री सब ट्री अदर लेफ्ट सब ट्री और लेफ्ट राइट सब ट्री पे फोकस करने वाले हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी मतलब टू. तो ये जो ट्री होता है वो टू सब ट्री में डिवाइड किया जाता है आफ्टर अ पेरेंट नोड, लेफ्ट सब ट्री और अ राइट सब ट्री, इसीलिए इसको हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं. ये ऑल डिटेल मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि हम ओनली बाइनरी सब ट्री पे सॉरी लेफ्ट सब ट्री पे आइदर फोकस करने वाले हैं या राइट सब ट्री पे, टू सर्च आउट अ प्रॉपर पोजिशन ऑफ एवरी इंसर्शन की. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में डालना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए. अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो. यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए. उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज का भी शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ और पूरा प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ. सो थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग. Stay tuned with TikToks. Thank you.